महानदी जल विवाद एबेर नुहे। अनेक वर्ष धरी ओडिशा और पड़ोशी छत्तीसगढ़ मध्यरे पानी को नहीं चलिथिबा एही विवादर समाधान हेबो कोन ओलटा दिनकु दिन जटिल हेबार लागिछि। दुई राज्य मध्यरे चलिथिबा एही विवादर समाधान पई केन्द्र जल मंत्रालय द्वारा महानदी जल विवाद ट्रिब्युनाल गठन करा जायथिला, किंतु ट्रिब्युनाल गठन को अनेक दिन बीती जायथिले मध्य विवादर अंत घटुनाही। एसबू भितर ट्रिब्युनाल आसंता मास उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ महानदी क्षेत्र परिदर्शन करने को आसवा धार्य हो। ट्रिब्युनाल अध्यक्ष एएम खान विल्कर सूचना अनुसार परिदर्शन टीम छत्तीसगढ़ एप्रिल 17 एक तारीख और ओडिशा एप्रिल 29 मे मास 3 तारीख जाए दुईट पर्यायर क्षेत्र परिदर्शन करने को आसब। प्रथम महानदी उपर मुंडरु छत्तीसगढ़ कलमा ब्यारेज पर्यंत क्षेत्र परिदर्शन परे ओडिशार महानदी क्षेत्र परिदर्शन करिव ट्रिब्युनाल। बड़ कथा है महानदी जल विवाद ट्रिब्युनाल क्षेत्र परिदर्शन निष्पत्ति एभली समय आसी जेतेबेले नदी में जल प्रवाह कम रही। क्षेत्र परिदर्शन में महानदी तलमुंड जल प्रवाहर निरीक्षण कर ट्रिब्युनाल। एही समय रे ओडिशा और पड़ोशी छत्तीसगढ़ जल संपद विभाग अधिकारी और विशेषज्ञ माने ट्रिब्युनाल को सहयोग करिबे। महानदी जल विवाद बड़ प्रभाव हीराकुद जल भंडार उपर पड़ी थाए। सूचना अनुसार हीराकुद वर्तमान मात्र 48% अर्थात 616 फुट जल रही, जहाँकि गत 10 वर्ष से सबुठारु कम। अन्यपटे महानदी जल विवाद को नहीं ओडिशा रे राजनीति मध्य सरगरम। विधानसभा रे जेउठी राज्य सरकार एही विवादर समाधान रे विलंब पई केन्द्र को दायी करिसेंती, सेपटे पालटा अभियोग आनी नवीन सरकार को घेरिसेंती विरोधी कांग्रेस और बीजेपी। राजनीति सरगरम किंतु बाहरी पारुनी समाधान रो बाट। जदि जलशक्ति मंत्रालय सूचना को देखिबा ताहाले महानदी जल विवाद ट्रिब्युनाल अध्यक्ष एएम खान विल्कर वर्धित कार्यकाल आसंता वर्ष डिसेंबर 24 तारीख जाए रही, तेणु आशा कराउं अवधि भितर से समस्या समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा संबाद।